नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हो एशियन मैकेनिकल चैनल। और इस वीडियो में आज मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये है ई रिक्शा का जो गियर बॉक्स है, ये दोनों है ई रिक्शा का गियर बॉक्स। तो एक है कंपनी का ओरिजिनल ब्रांडिंग वाला गियर बॉक्स और एक है कोई ब्रांडिंग नहीं है इसमें, ये डुप्लीकेट बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो देखेंगे इस वीडियो में इस दोनों में अंतर क्या है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं इस दोनों में अंतर क्या है। तो ये जो है गियर बॉक्स, ये है कंपनी का ब्रांडिंग वाला गियर बॉक्स। देखिए इसमें ब्रांडिंग क्या हुआ है, ये एक्चुअली जो बाबा कंपनी का है, ये बाबा कंपनी का गियर बॉक्स है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ये 18 टीथ का है, ये भी 18 टीथ का है, लेकिन इसमें कहीं पे लिखा नहीं है 18 टीथ है ये, देख लीजिए कोई ब्रांडिंग भी नहीं है इसमें और कोई यहाँ पे कोई टीथ वगैरह कुछ लिखा भी नहीं है। यहाँ पे जो टीथ है उस टीथ को गिन के हम देख सकते हैं, ये 18 टीथ का है, ये भी 18 टीथ का है। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या डिफरेंस है दोनों में। ये जो है थोड़ा सा हेवी है, वेट जो है इसका थोड़ा सा हेवी वेट है इसका, और इसका वेट जो है थोड़ा सा कम है इसका वेट। इसके बाद आते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑयल सील है वो तो है ही, इसके अंदर 6004 का बैरिंग है वो भी दिख रहा है, उसके अंदर जो पिनियम है वो भी दिख रहा है। लेकिन ये वाला में देखिए इसमें ऑयल सील है लेकिन इसके अंदर जो 6004 का जो बैरिंग होता है वो बैरिंग इसमें नहीं है, और बाकी सारा जो अंदर सामान है, पिनियम है, बैरिंग है, बाकी सारा बैरिंग लगा हुआ है, लेकिन ये जो बैरिंग है 6004 का ये बैरिंग इसमें नहीं होता है ये लोकल वाला में। अभी देखते हैं और क्या क्या डिफरेंस है। यहाँ पे जो मोटर लगने वाला जगह है वो ठीक ठाक है, दोनों का सेम है। अभी देखिए जो गियर ऑयल डालने के लिए और गियर ऑयल ड्रेन करने के लिए निकालने के लिए जो दो बोल्ट दिया हुआ है, ये दोनों बोल्ट इस गियर बॉक्स में ये जो बड़ा पोर्शन है इसके नीचे और इसके यहाँ पे दिया हुआ है। और इसका देखिए इसका यहाँ पे कुछ नहीं है लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है, ये लोकल वाला में यहाँ पे भी दिया हुआ होता है। मेरे पास और एक गियर बॉक्स है, देख लीजिए ये भी लोकल वाला है, इसका देखिए ये दोनों जगह पे ये दोनों बोल्ट दिया हुआ है। ये दोनों जो बोल्ट है इसको यहाँ पे देने में फ़ायदा क्या है और यहाँ पे देने में दिक्कत क्या है वो मैं बता देता हूँ। जब बोल्ट यहाँ पे होते हैं, इसका देखिए यहाँ पे है, तो जब ऐसे करके रहते हैं तो हम जब गियर ऑयल निकलते हैं तो देखिए यहाँ से यहाँ पे जितना गियर ऑयल रहते हैं पूरा निकल यहाँ पे यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन इसका देखिए यहाँ पे है, जब ऐसे करके रहेगी तो यह इसको निकलने से गियर ऑयल पूरा निकलता नहीं है, इस पोर्शन में जितना गियर ऑयल होता है थोड़ा गियर ऑयल रह जाता है अंदर। और इसका और एक दिक्कत है, यहाँ पे जो अंदर जो डबल गियर है यहाँ से अंदर डालने के लिए गियर ऑयल जब हम डालते हैं एक पाइप की मदद से डालते हैं तो वो पाइप अंदर घुसता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डबल गियर है, डबल गियर के मुंह में जाके अटक जाते हैं, इसलिए गियर ऑयल डालने के टाइम थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ये आराम से पाइप अंदर घुस जाता है और गियर ऑयल आसानी से डल जाते हैं। इसका ऑयल सील देखिए, इसका ऑयल सील भी डाला हुआ है, इसका ऑयल सील भी सही है, दोनों तरफ ऑयल सील है इसका, इसका भी दोनों तरफ ऑयल सील दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मोटर लगने की जगह पे भी ऑयल सील दिया हुआ है, इसमें भी इसमें भी। इसका जो ऑयल किट और गैस किट बोल सकते हैं, ये गैस किट इसमें भी है, मोटा सा गैस किट है इसमें भी, और इसमें भी मोटा सा गैस किट दिया हुआ है, दोनों में गैस किट ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में, सिर्फ ये बैरिंग जो है 6004 का ये बैरिंग नहीं डालते हैं ये लोग।
यही इसका कमियां हैं। और इसका वेट थोड़ा सा लाइट है। इसका जो बॉडी है देख सकते हैं आप लोग कितना पतला है, और इसका बॉडी देखिए कितना थोड़ा सा मोटा है, इसलिए इसका वेट भी ज़्यादा है और इसका वेट भी कम है। तो यही थी ये दोनों गियरबॉक्स में अंतर जो मैं बता दिया। तो ऐसा और भी वीडियो लाते रहेंगे इस चैनल में, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। सावधानी के साथ काम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।